सो गाइस, फाइनली अभी मैं यहाँ से रांची से निकलने वाला हूँ। जस्ट मैं ट्रिप को जीरो कर देता हूँ। तो ट्रिप ए मेरा तो ए छोड़ दूंगा मैं, 400 समथिंग किलोमीटर। बट ट्रिप डी बी में आप देख सकते हो 3.2 किलोमीटर चला है, जो कि मैं पेट्रोल वगैरह डलवा के अभी घर से निकला हूँ जस्ट। तो चलिए देखते हैं कितना फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देती है मेरी गाड़ी। सो फाइनली अभी अपन निकल चुके हैं और करीब यहाँ से पटना 300 समथिंग किलोमीटर है, तो शायद तक इस बोर्ड में लिखा होगा तो 308, हाँ 308 किलोमीटर है फाइनली यहाँ से। तो चलिए वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और भी कुछ आगे दिखाने को मिलेगा मैं दिखाता रहूँगा। सो गाइस, अभी मैं जस्ट कैमरा ओपन किया था और अभी आप देख सकते हो व्यू, मतलब या अभी के टाइम पे, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ना हाईवे का व्यू ही कुछ अलग होता है। सो गाइस, आगे देख सकते हो बादल वगैरह और पूरा पेड़ पौधा जितना भी है हरा भरा दिख रहा है, और ऊपर बादल भी देख सकते हो। शायद तक बारिश होने वाला है, बट स्टिल देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने ना ही रेनकोट पहना, ना ही ग्लव्स वगैरह कुछ पहना है, तो देखते हैं आगे तक भींगते भींगते जाएंगे, नहीं तो होगा कहीं शेड वगैरह पे रुक जाएंगे। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो पूरा मौसम एकदम बदल रखा है। सो गाइज, यहाँ पे आप कुछ मौसम देख सकते हो, मीन्स लिटरली बादल जो है, शायद तक आप अभी देख रहे होगे। सो ये फॉग नहीं है, आपको लग रहा होगा ये फॉग है, बट ये फॉग नहीं है, एक काइंड ऑफ बादल वगैरह है जो कि आप अभी देख सकते हो। पूरा रोड पर मतलब बिखरा पड़ा है, शायद तक कैमरा यहाँ पे जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा इस व्यू को, बट यार माइंड ब्लोइंग, मतलब आप देख सकते हो गाड़ियाँ लग रही है कि बादल के बीच से होके गुजर रही है। सो मुझे ऐसे एक पहाड़ दिख रहा है, शायद तक आपको दिख पा रहा होगा या नहीं, तो आगे मैं वीडियो में दिखाई दूंगा उस पहाड़ को भी। मीन्स यार गजब का वो व्यू, मीन्स लग रहा है ऐसे कि पहाड़ घुसा पड़ा है बादल में। Shakes when the bombs scream until our last breath, every heartbeat. सो गाइस, शायद तक यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो कैमरा से ये दिख नहीं पा रहा था, बट अभी आप देख सकते हो ये जो बादल देख रहे हो, मीन्स पहाड़ के ऊपर से फ्लोट करते हुए जा रहा है, मीन्स गजब का लग रहा है यार, मतलब बता नहीं सकता किस टाइप का लग रहा है। शायद तक आपको यहाँ पर कैमरा में जस्टिस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, बट रियली में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पिछले वीडियो में मैंने एक क्लिप बनाया था, मीन्स यहाँ का एक वीडियो बनाया था, जो कि आप अभी एक पहाड़ देख रहे हो। सो जस्ट इस पहाड़ के वो नीचे उस वाला पहाड़ था, उसके बीच से अपन गुजर रहे थे, मतलब सोच के देखो एक पहाड़ के नीचे पहाड़, उसके बीच से रोड। जो अपन पहाड़ से एंटर किए थे, सो ये वाला रास्ता आप जो राइट में देख रहे हो, सो इस वाले रास्ते से अपन एंट्री किए थे। तो इस वाले रास्ते से आप जाओगे तो वो वाला ब्लैक वाला पहाड़ मिलेगा, और अभी मैंने जो दिखाया इस रास्ते से जाओगे तो वो वाला पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली फिलहाल मैं अभी निकल चुका हूँ घर से, और पीछे भगवान अपनी देख सकते हो, और थोड़ी बारिश हो रही थी तो एक शेड मिल गया आपको पीछे, तो यहीं पे बैठे हुए मैं, इससे खड़े ही हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। और कुछ घर से बिस्किट वगैरह लाए थे, शायद तक होता है तो खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद ही चलते हैं। अप्रॉक्स 8 बज चुके हैं मॉर्निंग में, शायद तक मैं 6:30 के आसपास मैं ऐसे ही निकला था, और आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूँ कि कितनी किलोमीटर चली है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो 124 किलोमीटर समथिंग गाड़ी चल चुकी है। तो गाइस, एक्चुअली बात यह है कि अभी तो फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ, आपको बताया भी नहीं था कि अपन जाने वाले हैं
यहाँ से रांची से, तो एक एक प्लान बन गया। कोई ऐसा ये नहीं था कि चलना है घर पे, बट स्टिल अभी निकल चुके हैं तो चलो कोई नहीं। तो ये सबसे पहले सैनिटाइजर, भाई लिटरली एकदम बताऊँ तो मीन्स बारिश तो हो ही रखी है और साथ में यार हाथ भी देख सकते हो पूरे कितने सूज गए हैं, तो कोई नहीं उसको थोड़ा सैनिटाइज कर लेते हैं उसके बाद कुछ खा लो। तो पैकेट वैकेट एक्चुअली मैंने कल ही खरीद लिया था बिस्किट वगैरह, और पूरा पैकेट वगैरह सैनिटाइज कर लिया था घर पे ही। तो भाई बाहर का तो कुछ खाना नहीं है, चलो तो इसे ही। Head northeast on National Highway 20. यहाँ पे आप एक कोटेशन देख सकते हो, ब्रिस भूमि के हैं रखवाले, पैदावार को बढ़ाने वाले। तो भाई ये कोटेशन अरेली में सही है यार, आप देख सकते हो मीन्स यहाँ की हरियाली देख सकते हो आप ये पूरे झारखंड की। तो गाइस माइंड ब्लोइंग, मीन्स इस तरीके का शायद तक ही आपको कहीं हरियाली देखने को मिलेगी। और पीछे भी देख सकते हो चारों तरफ पेड़ वेड़ पौधे वगैरह। भाई ये तो है, हमें इस प्रकृति को खुद ही देखभाल करना है, कोई और आने वाला तो है नहीं यहाँ। जो भाई जिसे जो है उसी में काम चलाना है। सो फिलहाल खाना वाना तो हो गया यार, फेस थोपड़ा का तो पूरा वाट लग गया यार। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो कुछ हल्का फुल्का खा ही लिया, चलते हैं फिर। फाइनली गाइज अपन ग्रैंड ट्रंक रोड को छोड़ चुके हैं और यहाँ पे गया का वेलकम देख सकते हो। सो गाड़ी अप्रॉक्स मेरी 250-250 किलोमीटर अप्रॉक्स चल चुकी है, तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर आसपास और बचा हुआ होगा। बट स्टिल आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि 600 समथिंग किलोमीटर मैंने कवर किया है इस गाड़ी से, तो गाइज टोटल मिला के इतना पढ़ ही जाने वाला है 600 किलोमीटर समथिंग। तो गाइज इस तरह से मैंने पूरा इस स्कूटी पर रेगुलर किलोमीटर डन किया है। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कैंटीरिया डीएवी है। तो गाइस अपन जब बचपन में स्कूल वगैरह में थे, करीब 6-7 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ कंपटीशन करने आते थे, योगा कंपटीशन करने आते थे। तो ये गेट आप देख सकते हो, एंट्री गेट है। तो मैंने यहाँ पे बस एक अपना बचपन बिताया, तो कुछ मेमोरीज थी जो कि आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ से जस्ट अपोजिट में आप जो देख रहे होगे ये एक एयरपोर्ट है। तो अपन जब भी यहाँ कंपटीशन वगैरह करने आते थे तो इस जगह से अपन एरोप्लेन को बचपन में उड़ते हुए देखा करते थे। तो गाइज उस टाइम का बचपना भी हमें याद है, जो कि अपन यहाँ पे खड़ा होकर एयरपोर्ट को देखा करते थे और फ्लाइट वगैरह आती थी। तो शायद तक अभी ये फ़्लाइट वगैरह यहाँ पर आती नहीं है ज़्यादातर, बट स्टिल एयरपोर्ट है। तो साथ में गया में आप जान ही रहे हो बुद्धिज्म का प्लेस है, तो लोग आते ही जाते रहते हैं यहाँ पे टूरिज्म वगैरह। सो गाइज यहाँ पे मैं एक्चुअली 11 बजे पहुँच गया था, स्टिल बीच में ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रहा था, इस कारण से कैमरा वगैरह ख़राब ना हो जाए इस कारण से मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो लिटरली मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ और जस्ट एक मिनट में कुछ दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट ये आवाज़ आ रहा है ना, ये दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा है। देख लिए कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो भाई इन लोग ना लिटरली अभी तक ना बदमाशी का ना नहीं छोड़े हैं, मतलब कि पीछे देख रहे हो गाड़ी के अंदर घुसे पड़े हैं और यहाँ पे वाट लगा रहे हैं, कुछ जरूर कुछ ना कुछ काट ही रहे होंगे। सो गाइज अगर आप यहाँ तक पहुँची गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप विल सी माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दी चैनल। टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।